फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं होनी कंपनी का एक्सपी 2000। ये 2000 का फोनी कंपनी का पावर एम्पलीफायर दोस्तों। तो इसमें क्या दिक्कत थी ये देखिए दोस्तों। इसमें आरएक्स मॉडल वाला जोन नहीं लगा हुआ, किसी मिस्त्री ने ये रिपेयर नहीं हो पाया था, ये लगा दिया। चलो कोई बात नहीं, उसने भी कोशिश की तो कर दिया उसने भी अच्छा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, साउंड तो सेम ही है दोनों का। इस ये देखिए ओरिजिनल जो नहीं है वो ये है, और ये दूसरा रिप्लेस किया हुआ जो ने। तो इसमें क्या दिक्कत थी दोस्तों कि इसकी आवाज़ फट रही थी, यानी आवाज़ दूसरे जोन के मुकाबले इसकी आवाज़ खुल नहीं रही थी। तो इसमें क्या मैंने स्टेप बाय स्टेप इसके सारे कनेक्शन खोला। इसके कनेक्शन ऐसे पतले वायर में थे तो मैंने इसमें जाड़े वायर लगा दिया। और ये देखिए दोस्तों, इधर से यहाँ से यहाँ तक एक भी ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इससे मेन सप्लाई ही नहीं आ रही थी, सिर्फ यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर काम कर रहा था। तो क्या हुआ था, यहाँ से यहाँ तक एक प्रिंट कट गया था, कभी शॉर्ट सर्किट होने पर प्रिंट कट गया था दोस्तों। तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उसके ऊपर, और वैसे ही मशीन को चालू करके कस्टमर पैक करके दे दिया। मशीन में तो साउंड आ रहा था लेकिन आवाज़ फट रही थी। तो आवाज़ किस कारण फट रही थी दोस्तों, कि इसका ये आईसी पर एक साइड में प्लस 15 वोल्ट आ ही नहीं रहे थे, खाली इस टाइप इस साइड का जिनर काम कर रहा था। यहाँ पर 15 वोल्ट आ रहे थे लेकिन यहाँ पर 0 वोल्ट आ रहे थे। तो हमने पहले मैंने हमने देखा कि यहाँ पर 15 वोल्ट क्यों नहीं आ रहे, तो मल्टीमीटर की प्रॉप को ग्राउंड कर दिया। मल्टीमीटर की प्रॉप को ग्राउंड कर दिया और फिर ये जीनर डायोड पे चेक किया तो यहाँ पर वोल्टेज ही नहीं आ रहा था एक भी। तो हमने फिर इस वाले रेजिस्टेंस के इस साइड चेक किया तो यहाँ पर हाई वोल्टेज आ रहा था, बट इस साइड 14 या 15 वोल्टेज आना था, तो इस साइड कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा था। तो हमने फिर इसे ओपन करा और मल्टीमीटर में ओम के रेंज में चेक किया और 20K के रेंज में चेक किया, क्योंकि यार 2K2 का रेजिस्टेंस लगता है। तो आप 2K2, 3K3, 4K7 ये बहुत सारी वैल्यू लगा सकते हो आप यहाँ पर, सिर्फ उसकी वैल्यू K में होना चाहिए, ये 5 वाट में होना चाहिए, क्योंकि ये वोल्टेज को कम करता है तो काफ़ी हीट होता है ये। तो इसकी वैल्यू अगर आप 1/2 वाट में, 1/4 वाट में या 2 वाट में लगाओगे तो आप तुरंत ही जल जाएंगे आपका रेजिस्टेंस। तो मैं आपको चेक कराता हूँ ये इसके वोल्टेजेस का कितने होना चाहिए। तो अभी मैंने मल्टीमीटर को 200 वोल्ट की रेंज में रखा है, तो मैं ये देखिए इधर लगाता हूँ, देखिए रेजिस्टेंस के उधर प्रॉब लगाया है और यहाँ मेन सप्लाई आ रही है, और रेजिस्टेंस के इस साइड लगाता हूँ, देख सकते हो आप, तो यहाँ पर 16 वोल्ट आ रही है, यानी जो आईसी को रेगुलेट करने प्लस 15 माइनस 15 लगती है वो वोल्टेज आना शुरू हो गई। तो हमारा साउंड भी अच्छा आ रहा है, देखिए यहाँ पर प्लस 15 और इस साइड माइनस 15। तो ये हमारा ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो मैं आपको इसका एक बार साउंड चेक कराता हूँ, देख सकते हो मैं साउंड।
रात का टाइम है दोस्तों, हम ज़्यादा आपको साउंड नहीं सुना सकते इसका। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ताकि रिपेयरिंग के समय तो हम वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता। तो हमने आपको बता दिए कि इस तरह कैसे फॉल्ट सॉल्व किया जाता है। अगर आपके भी एम्पलीफायर में ऐसी कोई दिक्कत, आवाज़ फटने की दिक्कत हो, तो आप इस तरह चेक करके आपका फॉल्ट सही कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो से फिर कभी।